हेलो गाइस, मैं घमू एक बार फिर से आपके अपने घमू राजस्थानी चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया और जैसे ही हम वहाँ से रवाना हुए, आधी दूरी से भी कम तय की थी तब तक रात हो चुकी थी। तो वो पूरा वीडियो आपको अभी दिखाते हैं। ये मैंने आगे से इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि पूरा ही वीडियो अंधेरे में है और हम रात को 9:45 बजे तक धोरों में और इधर उधर भटकते रहे, घर तक नहीं पहुंच पाए और बीच में हमारी क्या हालत हुई थी और कैसे हम जो है जान बचाकर घर पहुंचे, वो सारा आप देखिएगा। बहुत ही मतलब मुश्किल से, अगर हम डरपोक मतलब जो डरते हैं रात में अंधेरे में इस तरह से डरने वाले होते हैं तो हम कतई घर नहीं पहुँचते। मैंने जो है बच्चों को भी डरना कभी नहीं सिखाया, इसलिए वो भी मेरे साथ जो है डटे रहे और आखिर हम जो है 2-2.5 घंटे मशक्कत के बाद घर पहुंचे। तो देखिएगा ये कौन सी जगह है ये नहीं पता पूरी तरह तो, लेकिन फिर भी हमने माइलस्टोन देखे थे। यहाँ पर हम जब पहुँचे थे तो हमने रुक के जो है थोड़े थक गए थे, इसलिए रुके थे पानी पीने के लिए। रुक कर हमने टाइम देखा तो पूरे 8 बज चुके थे, यानी पूरी तरह रात हो चुकी थी। और अब थोड़ा डर भी लग रहा था और आगे की दूरी हमने तो सोचा थोड़ी है, लेकिन बाद में पता चला काफ़ी जो है 20-22 मिनट लग गए थे। क्योंकि हमारे जो शहर है, कस्बा है, वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, रोड साफ़ ही थी और शहर भी बंद था तो कोई भीड़ भाड़ थी नहीं। लेकिन आगे की 4 किलोमीटर रोड इतनी ख़राब थी, एक अंधेरा और ऊपर से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, 4 किलोमीटर में हालत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद स्कूटी मैंने किसी पड़ोसियों के वहाँ पे छोड़ी थी, तो वो रास्ता भी जितना सोचा था उससे डबल था और उससे डबल डिफ़िकल्ट भी था। और फिर स्कूटी वहाँ इसलिए छोड़ी कि हमारे रोड पक्की नहीं जाती है घर तक। और इसके बाद हम अपने घर की तरफ इस कच्चे रास्ते निकले हैं, कच्चा रास्ता नहीं है, बिल्कुल जो है धोरे हैं। मैं कुत्ते से मरते थे बस कुत्ते से। तो इन कुत्तों की नस नस से मैं जो है वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि अगर डर गए तो पीछे भागेंगे, वरना ये जो है भौंक कर चुप हो जाएंगे। इसलिए मैंने बच्चों को समझाया है, फिर भी इनको डर लग रहा है, फिर भी मैं जो है हैंडल कर लूँगी, कुत्ते नहीं काटेंगे। और हम घर तक पहुँचे तब तक हर घर के आगे से कुत्ते आकर हम पर भौंकते रहे। सच बताएं तो हमारा स्ट्रगल अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ हम हमारे गेट के पास पहुँचे तो ये गेट पूरी तरह से जाली वाले तार से बंद कर रखा था। और यहाँ से अब हम इस तरह यानी लेफ़्ट की साइड निकल लिए हैं। ये नहीं, इससे पहले भी जो गेट आया था जो कि रोड से जैसे ही मार्ग जाता है वहाँ पर भी बंद था, तो हमने वो जैसे तैसे टर्न लेके हम पहुँच गए हमारे वाले गेट पे। हमारा गेट भी बंद था, मतलब जैसे ही बारिश होती है लोग अपने अपने गेट बंद कर लेते हैं। और सही बताएं तो हमारे ससुराल में वाले सबसे पहले बंद करते हैं और फिर जो है हम आगे निकलते हैं। हमें लगता है कि 5 मिनट बाद या फिर 500 मीटर पर कहीं पर भी गेट आ जाएगा। और सच बताएं तो यहाँ पर हमें चलना पड़ा था कम से कम 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 1.5 नहीं कह सकते आप, 2-2.5 किलोमीटर कह सकते हैं, इतना हम चले थे। तब पूरा घर के चारों ओर घूम के जब हम पहुँचे तब हमें रास्ता मिला था। और वहाँ जाने के बाद आप देखिएगा रास्ते में ऐसे कांटे भी लग गए हैं जगह जगह पे। पहले तो लगा था तो मुझे लगा कुछ नहीं, लेकिन बाद में ऐसी मिट्टी वगैरह लगने लगी, देखा तो खून भी बह रहा था। अब ये मेन रास्ता हमें मिला है, मतलब हमारे घर के पास से ऐसा एक कच्चा रास्ता सड़क जाती है, तो ये जो है अब पहुंचा देगा। लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा, आपको बता दें घर से 1 किलोमीटर दूर दूर हम चारों तरफ घूम लिया, अब आप सोच लो कितना लंबा होगा। और इस रास्ते से हम दूसरी साइड से भी आ सकते थे। इसके बाद आप देखिए हम पहुंच गए हैं घर, और इससे जो कैमरा ऑन कर रखा है इससे लाइट भी हो रही है और रिकॉर्ड भी हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जगह जगह जालियाँ बांधी हुई हैं। अब क्या करते हैं कि जो जानवर होते हैं इनको जाली के बड़े खेत के पूरी जो है जाली लगा के उसमें छोड़ देते हैं ताकि पूरी रखवाली नहीं करनी पड़े। अब बारिश आएगी तो उससे पहले कि ये पूरी तैयारी इन्होंने कर रखी है। और इस तरह जो है रास्ते बंद कर रखे हैं, कोई अनजान तो कोई जा ही नहीं सकता, मतलब हमें तो इस तरह उधर से आना पड़ेगा, ये रास्ता पता ही नहीं था। लेकिन जब निकल लिए तो फिर सोचा अब पता है रास्ता वहाँ है तो भी अब आधी दूरी तक तो आ ही गए, तो वापस जाना ठीक नहीं रहेगा। और वापस का जो रास्ता था वहाँ कुत्ते फिर भौंकते और उधर से आते तो उधर बड़ा सा धोरा था, उस पर चढ़ना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल था। अभी हमारा मतलब हमारे गेट से
500 मीटर भी दूर नहीं है। यहाँ पर ये एक गेट बनाया हुआ है, इसको भी बांधा हुआ है। तो आपको सही सही बता दें कि हमने जहाँ पर स्कूटी छोड़ी वहाँ से घर आने में, सच बता दें आपको, 45 मिनट पक्का लग गया होगा। और अगर सीधा रास्ता होता तो हम 10 या 12 मिनट में सीधा घर आ सकते थे। और यहाँ घूमने में हमने इतना टाइम लगा दिया है क्योंकि 8 बजे हम वहाँ पर थे और फिर 20 मिनट से हम आगे पहुँच गए थे। उसके बाद स्कूटी छोड़ने में थोड़ा बहुत टाइम लगा था और इसके बाद हम लगभग 9:45 या फिर 9:30 दोनों के बीच हम पहुंचे थे। घर आते ही मैंने घड़ी देखी थी, मैंने कहा कितना टाइम हुआ, फ़ोन में नहीं देखा, घड़ी में देखा था। और हम अब जो हैं बिल्कुल घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर बाहर ये जो सामने दिख रही है ना, ये लाइटें हैं या फिर जानवरों की आँखें हैं। ये यहाँ पर जानवर बंदे हैं, इनकी आँखें दिख रही हैं। बकरियाँ हैं और गाय भी है और ये बच्चे पहुंच चुके हैं। ये बकरियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए घर के आगे बकरियां बंदी हैं, कुछ कुछ खुली बैठी हैं। और अंदर चलते हैं, क्या कर रहे हैं सब। वैसे इस ऐसे में वीडियो नहीं ले सकते लेकिन लाइट जल रही थी तो इनको भी लग रहा था कि इन्होंने लाइट जला रखी थी, तो इसी बहाने मेरा वीडियो चालू ही था। अब गेट में घुस गए हैं, आगे देखते हैं कौन है क्या है। तो ये दिख रहे हैं लाइट में, मैं नहीं दिख रही हूँ, मैं कैमरे के पीछे हूँ, ज़्यादा नहीं दिख रही हूँ। और ये इसके दादा और दादी बैठे हैं, दादा बैठे हैं खाट पे और दादी नीचे बैठी, मैं इस साइड चली गई, बच्चे गए उनके पास। फिर मैं घड़ी में टाइम देखने चली गई थी लेकिन कुछ भी पता नहीं चला घड़ी में टाइम, घड़ी बंद थी, चालू थी पता नहीं। फिर हम ऊपर खाना वाना खा के सोने चले गए और 12 बजे फिर क्या होता है वो देखिए आप। 12 बजे क्या होता है, सास ससुर पहले ही जो है किसी के यहाँ चले जाते हैं और हमें बोलते हैं, हम जाकर आते हैं बाहर जो बकरियाँ बंदी होती हैं वहाँ पर कुत्ते आ जाते हैं। और ये देखिए इनकी दोनों खाटें खाली पड़ी है, वो गए हुए हैं और कुत्ते आकर भौंकने लगते हैं बकरियों पर, उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक बार तो मैं ऐसे ही कुत्ते को भगाने के लिए जा रही हूँ लेकिन अब देखते हैं कुत्ता क्या करता है। ये सामने जो है भीड़ जाता है तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं वापस आती हूँ लठ लेने के लिए। यहीं पर एक जो है ये लकड़ी पड़ी है बड़ी सी, ये उठा ली है मैंने और अब जो है कुत्ता भाग जाएगा लेकिन फिर भी घूम फिर के वापस आएगा। कुत्ता लठ देख के भाग तो गया लेकिन दूर से काफ़ी जो है भौंक रहा है, बोल रहा है कि मुझे तो बकरियों पर हमला करना है, मुझे रोक कैसे दी। वो आंखें आपको दिख रही हैं वो कुत्ते की है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। और यहाँ एक गेट है, उससे बाहर भी निकल गया था लेकिन फिर भी वापस आ गया था। एक बार की मैं वापस आ गई, थोड़ी देर मैं यहाँ बैठी रही बकरियों के पास, देखा कितनी बकरियाँ हैं लेकिन तब तक वो घूम फिर के फिर वापस आ जाता है। थोड़ी देर मुझे और यहाँ पर रुकना पड़ा था, मैं सोच रही थी चला जाए तो फिर ऊपर जाके सोएं, टाइम भी काफ़ी हो रखा था, 12:15 लगभग हो गई थी रात में। अब ये बकरियाँ यहाँ खड़ी है, सारी डर कर घर के पास आ गई है, बांधी हुई कोई भी है नहीं, ऐसे ही खुली बैठी हैं। आ गया वापस, क्या समस्या भाई, भाग जा, लठ लेके आना पड़ेगा। इससे आ जा, हद है मतलब। तुम लोग सो जाओ ना, क्यों जाग रहे हो, सो जाओ। ये कुत्ते हैं बकरियों के पीछे भाग रहे हैं। मुझे तो 5 दिख रही है, इन कोई और थी तो 6 दिख रही है। छह तो खड़ी है, तुम जाओ और फोन बंद कर दो। ओके, हाँ तो सो जाओ बस। अब तू क्यों आ रहा नीचे,
तू नहीं चला, पता है टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? 12 बजे। ये गाय है, ये कुत्तों से नहीं मुझसे डर रही है, और ये बकरियां कुत्तों से डर रही है। तो गाइज आज तो रात को बहुत ही बड़ी जो है परीक्षा देनी पड़ गई कुत्ते भगाने करने। यहाँ पर मुझे लगभग आधा घंटा लग गया था, कुत्ता भागा नहीं था, घूम घूम के वापस आ रहा था। तो कल आपसे मिलवाते हैं ससुराल वालों से, और घर से घर भी दिखाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, आपको मेरे वीडियो और मेरे चैनल पर अच्छा ही कंटेंट मिलेगा। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, कोई कंटेंट की कमी नहीं है। तो चलिए आज के लिए अभी गुड नाइट।